और फिर इस तरह से चिश्ती फर्नीचर जिसका ऑनर है मही चिश्ती, ये दोस्त बहुत बड़े स्पीकर भी हैं, कई बार स्पीकर का अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त कर लिया है, आज अपने गांव में मौजूद इस मुकाबले को देखते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से सर्विस पर हारिस, सर्विस पर तैयार हारिस, उम्र 18 से 19 साल, लेकिन फिर भी प्रवाह पहले सर्विस कामयाब रही। एक पॉइंट लिख दिया जाए भाई कटौली के फेवर में। स्कोर के सामने जितने लोग हैं वो जरा सब बैठ जाएं। फरोख खान 2000 रुपए, आसिफ खान सल्लू चेयरमैन पद के उम्मीदवार 3000 रुपए कटौली पर, और जीतने वाली टीम को बाबू जावेद साहब की तरफ से 500 रुपए के नाम लजीज दरबार की तरफ से भी, जो नसीब को ढाला है लजीज दरबार फहीम भाई की तरफ से भी 500 रुपए के नाम, अगर ये टीम इस मुकाबले को जीतेगी यानी कटौली 2-0। ये गजब का प्रयास 0-2 जायका दरबार के जीतने पर जनाब अजमल साहब की तरफ से, यहाँ पर जो उनके ऑनर है उनकी तरफ से 2000 रुपए के नाम यहाँ पे आ चुका है। अरे पैरवा बटोर नहीं तो साले कुचल कुचल। चलिए बाल सबली और फिर ये क्रास श्रेयांश का, एक मरतबा यहाँ पे श्रेयांश ने गलती किया था भाई। ए, पानी पानी और फिर यहाँ पे श्रेयांश, ये खूबसूरत अटैक लाइन पर प्रयास किया श्रेयांश ने। इस वन बाउंस पर श्रेयांश के लिए 500 रुपए की नाम आया है। साउंड ऑपरेटर सेल लगा दें, इसमें साउंड ऑपरेटर सेल लगा दें। ताहिर भाई और तैयब भाई की तरफ से श्रेयांश के इस बेहतरीन अटैक पर 500 रुपए की नाम आया है। 500 श्रेयांश वे मगनी चिश्ती और फिर यूं इस तरह से सर्विस से स्कोरर जैसा एक्टिव रहे। और फिर यहां पे मोहसिन, इस टीम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत जल्द इसने वॉलीबॉल के मैदान पर अपनी प्रतिभा को निखारा है। हालांकि 1.5-2 साल पहले इस खिलाड़ी को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरे पूर्वांचल भर में ये खिलाड़ी बहुत मशहूर है। ये हारिस है, ये देखिए क्या बढ़िया सी सर्विस हुई है यहाँ पर, लेकिन ये रिसीवर डिफेंडर जो थे ये यहाँ के गलती कर दिया कटौली के डिफेंडरों ने, और इस तरह से 1-2। लो लगा 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 साकिब 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 कमजोरी अभी मेरी आवाज है इसकी। हेलो बहुत शुक्रिया हाय साजमी साहब। और ये श्रेयान शिल्ले के नावे कर बैठे, आउट इस मैच कर बैठे, जिसकी वजह से यहां पर 3-1 सर्विस पर हारिस, जंप के साथ ये सर्विस, और यहां पे भाई कटौली का गार पॉइंट लिख दिया जाए। है? 4-1 4-1
के साथ ये सर्विस, ये बाल सबली, ये इस मर्तबा मोहनी चिश्ती मदहोश होकर के इस मैच की मोहनी ने लेकिन नाकाम रहे। और दोस्तों सुभान प्रधान पूर्व प्रधान अंजान शहीद जनाब अजमल साहब, जनाब अब्दुल हन्नान साहब चिश्ती, डॉक्टर ताहिर साहब, मोहम्मद तैयब साहब, इन सभी लोगों का शुक्रिया इस टीम को सजाना। ये बाल सबली, ये रुपेश सिंह और नाकाम रहे। मैं बता दूं कि सौरभ ठाकुर जो कल गोरखपुर में मुकाबला खेल रहे थे, बदकिस्मती से सेमीफाइनल के दौरान उनको चोट लग गई, जिसकी वजह से ठाकुर सौरभ सिंह आज खेलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। उस खिलाड़ी के लिए भी आप लोग दुआ करें कि वो खिलाड़ी आ जाए फिर से वॉलीबॉल के मैदान पर। और ये लेकिन क्या जबरदस्त ब्लॉक शोएब का और मोहसिन का, जबरदस्त ब्लॉक, 5-1 कटौली, क्या जबरदस्त यहां पे परफॉर्मेंस कर रही कटौली की। एक और सर्विस बढ़िया कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है, मैं घबरा के पत्थर पी गया, मेरी बस्ती के कई घर पी गया। बाल सबली, ये रुपेश सिंह, जबरदस्त ब्लॉक, माइंड ब्लोइंग ब्लॉक, ये ब्लॉकर जबरदस्त यहां पे सेंटर ब्लॉकर की भूमिका अदा करता हुआ शोएब। स्कोर बता दूं 7-1 कटौली पर, 5,000 रुपए का इनाम आ चुका है अब तक। और यहां पे कार पॉइंट 8-1, जायका दरबार अनजान शहीद। आज ऐसा लग रहा है कि जायका दरबार का टेस्ट नहीं मिला इस टीम को अब तक। अब दर्शक पूरी तरह से जाग गए हैं। मैंने कहा था कि ये खिलाड़ी, ये टीम जो है साकी साहब कटौली के बारे में अगर यूं कहा जाए कि दिया जला के सभी बामों दर में रखते हैं और एक हम है इसे रह गुसर में रखते हैं, समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। जो बिल्कुल यहाँ पे कटौली टीम पूरी तरह से मध्य मुकाबले टीम की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। वहीं पे हारिस आजमी ने बहुत बढ़िया लपकुशाइयां किया है। ये मोहनी चिश्ती, ये फाद, एक और पॉइंट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जबरदस्त ये मुकाबला, रस्सा कशी का मुकाबला, कौन जीते कौन हारे। जंपिंग सर्विस ललित सिंह, ये श्रीमती वंदना सिंह जी, सरोज खान 2,000 रुपए के नाम, ये शाहरुख, ये बाल सबली, ये फाद आए और ये रुपेश सिंह और मोहनी चिश्ती का ज्वाइंट ब्लॉक। बहुत देर के बाद सर्विस सिंध हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि जायका दरबार जिंदगी की शाम हो जाए। जोहनों को 50 रुपए के नाम, इधर आ जाओ जोहनों, जुगनू जग रहा है और लोगों को जगा रहा है ये मोहसिन, क्या जबरदस्त ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता हुआ, अपने गेम को शो करता हुआ ये खिलाड़ी कि मैं अपना फन दिखाता हूं, तो अपना फन दिखा, वो तो इस मन पशा, वो तो फिर वो मन पशा। स्टेज पर बैठे ये लोग भी यहां पर मजा ले रहे हैं, ये सरेआम, लेकिन इस मरतबा सर्विस को चेंज कराने में कामयाब केकेआर टेंथ हाउस, फराज खान छतवारा गर्ल भी आपका शुक्रिया, खान खालिद रफीक का भी शुक्रिया, एप्पल जोन शादाब खान तकिया आजमगढ़ छतवारा आपका भी शुक्रिया।
अरमान ने संभाला, शोएब आए, शाहरुख ने संभाला, ये समीर, ये श्रेयांश, ये एक पॉइंट, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते, बहुत देर के बाद एक पॉइंट। भाई कटौली के खिलाड़ियों को पानी पिला दिया जाए, कटौली के खिलाड़ियों को पानी पिला जाए, कमेटी पानी का इंतजाम कर दे। एक मिनट, हेलो, एक सा खिलाड़ी, ए भैया इधर आ, एक और पॉइंट। बड़ी देर के बाद यहाँ पे 3-11, तीन हजार, फिर 2000, फिर 500, और फिर ये मोहम्मद चिश्ती, पूरी तरह से दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब क्या होगा? 11-3, दुबई वाले लोग भी मुस्कुरा रहे हैं। 11-3 का स्कोर है। ललित सिंह, ये सरेंच, 12-3, वाह, जबरदस्त मुकाबला, इतना बढ़िया मुकाबला जिसके बारे में कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि जब उसने कोई जख्म हमारा नहीं देखा, हमने भी उसे मुड़ के दोबारा नहीं देखा। बहुत बढ़िया, ये माइनस बाल, लेकिन ये बाल माज वकास के लिए, लेकिन रूपेश सरयांश, इन दोनों का ज्वाइंट ब्लॉक, और फिर ये स्कोर मैं जानना चाहूंगा। 3-12, 3-12, अब मजा आ रहा है ना दोस्तों? हाँ, ऐसा लगे कि मजा आ रहा है। जी हाँ, इस मोहल्ले के लोग तो खूब मजा आ रहा है, उस मोहल्ले में नहीं मालूम क्या आ रहा है। अरे वहां के लोगों, टेंट वालों को मजा आ रहा है? अभी तो ये लोग खामोश हैं। ये एसआर के, और ये खिलाड़ी जब शाहरुख, जिसको दुनिया जानती है, मैंने इसके गेम को देखा, इंडियन नेवी टीम को मजबूर किया था गुजरात में इस खिलाड़ी ने, और ये खिलाड़ी अगर चल गया तो फिर मौसम बिगड़ जाएगा। लेकिन ये खराब सर्विस, अंडर नेट ट्राई कर दिया इस सर्विस को शाहरुख ने। कटौली टीम गुड गोइंग, महताब क्लब कटौली, इतनी प्यारी टीम महताब भाई ने सजाई है, जो टीम आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। सरयांश, और ये मोहनी ने हाथ लगाकर किया गलती। दयान चिश्ती अपनी टीम को समझा रही हैं कि सब्र करिए, टाइम आउट, सेकंड भाई साहब का दरबार, अब क्या होगा? दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। अब जायका दरबार यही दुआ कर रही है, और सुभान प्रधान भी, अब मैं देख रहा हूं कि अब इनकी सांसें भी अटक रही हैं कि सांस अटकी हो तो रिश्ते नहीं देखे जाते, मौत की गोद में सपने नहीं देखे जाते। ये जायका दरबार पूरी तरह से मौत के आंचल में है। ये पहला सेट, और पहले सेट में हार की पहली पर 13-4 का स्कोर है। एक बाद एक महिला पहन बात यार, बार यार 13-4 रोक क्या है, मगर बहुत जरूरी है, भाई मैं तो खत्म फिर आती क्या भाई, क्या कहा जाए यार, इस खिलाड़ी पर तो इनामों की बरसात होनी चाहिए, ऐसे खिलाड़ियों पर इनाम लगाने चाहिए, आगे आजमगढ़ का मुस्तकबिल बनेंगे ये खिलाड़ी। देखिए कैप्टन रेडी, टीम तैयार हो जाए, टीम तैयार हो जाए। फरूख भाई की तरफ से 3000 रुपए की इनाम, फरूख भाई का 2000 इसमें और लिख दीजिए, 3000 हो गया। अरे जी, यहाँ पे फरूख भाई की तरफ से 3000 रुपए, सल्लू भाई की तरफ से 3000 रुपए। ये सरयांश, बनारस का ये शेर, 4-14 भाई। कटौली टीम के लिए दर्शकों, मैं क्या कहूँ कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। क्या बढ़िया है, आई गेम शो किया है कटौली टीम ने। अनजान शहीद की इस बस्ती के मौसम को कटौली टीम ने सुहाना कर दिया है, कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। बहुत बढ़िया,
कुरबान अली वाह हारिस फहद ये अरमान का क्रास बहुत ऊंचा क्रास किया है ललित सारिफ श्रियांश और फिर यहाँ पे 4-14 जायका दरबार होश के ना खुले आखिरी पॉइंट है सिर्फ आखिरी मौका है आपके पास तैयार हो जाओ जायका दरबार सौरभ ठाकुर इसी की कमी खल रही थी इसी खिलाड़ी की कमी खल रही थी टीम में और यहाँ पे अवेश में 5-14 नो कमेंट्स 5-14 बाबू जावेद साहब की तरफ से जीतने वाली टीम को 500 रुपए की नाम भाई सौरभ ठाकुर आ गए इसके एक कलेक्शन फैसल बिलरिया आइए आपका भी शुक्रिया जीशान खान शो पॉइंट तकी आजमगढ़ रंगाई वाली गली शुक्रिया ये जंप के साथ किया है सर्विस बाल सबली और प्रिय श्रेयांश आया ताबड़तोड़ हमला किया श्रेयांश ने और उस तरह से 5-14 पे सर्विस सेवा ऑफ जायका दरबार अनजान स्पीड अगर जायका दरबार की टीम जीतेगी तो 2,000 रुपए की नाम लाजवाब अति सुंदर पहाड़ क्या बेहतरीन पहाड़ जुगनू की टीम के साथ है कतौली टीम के साथ ये रूपेश सिंह गुड भाई तालियां बजाएं यार इसके लिए हाँ ऐसा लगे कि ये मुकाबला हो रहा है ये बात अलग है कि खिलाड़ी ने बाल को नहीं रिसीव कर सका लेकिन फिर भी मेहनत तो किया बाल सबली समीर मोहनी चिश्ती मिर्जा शारिक बे की तरफ से 1,000 रुपए की इनाम 5-14 पर कब्जे से जो रहा भाई बहुत देर से ये इनाम लिख दिया जाएगा और उनको दे दिया जाएगा चाहे वो हारे चाहे वो जीते चलिए भाई कुछ से भी हैं जो सिर्फ गेम पर इनाम लगा रहे हैं टीम हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता खिलाड़ियों ने दिल जीता है इस वजह से इनाम की बरसात है वाह श्रियांश शाहरुख मोहसिन फहद हारिस आजमी कभी कभी ये कहा करते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है उसी तरह से कतौली के खिलाड़ियों ने अपने साथियों को देखने के बाद अपने तेवर को बदल लिया रमेश भाई वो उद्घाटन मैच था उद्घाटन मैच के साथ सर्विस बाल सबली ये समीर गलती किया इस क्रास को करके लेकिन यहाँ पे रुपेश सिंह लंबाई का पूरा एडवांटेज लिया रुपेश ने 5-14 लगातार मैं देख रहा हूं कि शू गार्डन ये मुश्फिक भी टूर्नामेंट के साथ जुड़े हैं पहाड़पुर तिराहा आइए आपका शुक्रिया अब ठाकुर सारा वसीम अब ये खिलाड़ी आया है श्रियांश माइनस बाल पर मोहने चिश्ती ने बहुत मनचाहा प्रयास किया है मोहने चिश्ती ने फर्स्ट टाइम आउट इतनी देर के बाद पहला टाइम आउट दिया गया है महताब क्लब कटौली की तरफ से लेकिन याद रहे मैंने देखा यहां से भी मुकाबला पलटते हुए महताब क्लब कटौली यहां से भी मुकाबला वाले बाल का पलटते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है फरोज भाई की तरफ से 3,000 और मिर्जा शारिक साहब पीडीसी इनकी तरफ से मिर्जा शारिक बेग साहब मुसर्रफ भाई बिलरियागंज की तरफ से भी कितना मुसर्रफ भाई अच्छा
और फिर यहां पे किसी तरह से एक और पॉइंट 7-14 अब बराबरी। अब धीरे धीरे आज रात पर मुकाबला पहुंचा, किसी तरह से आधा कम से कम कवर हुआ। अब 7 और 14 की लड़ाई है। इश्तियाक भाई बनकट वॉलीबॉल के बहुत प्यारे खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं, इनका भी शुक्रिया। ये देखिए ललित गोता लगाया था ललित ने, लेकिन नाकामियों ने इनका कदम चूमा। बड़ी प्यारी सर्विस और उस तरह से ये ठाकुर सौरभ सिंह फिर यहां पे 7-14 शाह जमाल। वालेकुम सलाम भाई। नहीं भाई बिना परा नहीं है। सर्विस यहाँ पे अवे सर्विस कर दिया है। लगातार लोग जुड़े हुए लाइव के जरिए फैशन गार्डन आसमगढ़ आपका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये देखिए शारा और उस तरह से 7-14 क्या ये सेट 15 और 7-8 पर खत्म होगा या ये सेट जायका दरबार के दरबार में जाएगा। चलिए देखा जाए। श्रियांश लोग मजा ले रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं लोग। ये स्वाद भाई कटौली टीम बार बार आपको कुदरत मौका दे रही है, बार बार आपको जो मौका मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मौके का फायदा उठाइए। सिर्फ एक पॉइंट कहीं ऐसा ना हो कि कटौली टीम खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। याद रहे जायका दरबार ने अगर लड़ाई ले लिया तो फिर कटौली टीम सैलाब में बह जाएगी, लेकिन एक पॉइंट आप बना लीजिए कटौली टीम तो फिर जायका दरबार को पहले सेट में पूरी तरह से मजबूर होना पड़ेगा। याद रहे ये मुकाबला जीता हारा किसने जीता किसने हारा नहीं मालूम, लेकिन दिल जीता है कटौली ने। लाजवाब अटैक, लेकिन टाई लाइन से थोड़ा सा दूर 14-7। एक मरतबा फिर से तैयार महताब क्लब कटौली सेट पॉइंट। शेखोपुर फहीम भाई सभासद प्रत्याशी बाबू जावेद साहब बिलरीगंज चेयरमैन पद के उम्मीदवार और ये श्रेयांश थे 7-14। दिक्कत तो दिखा बहुत अच्छा लगा दोस्तों इस मुकाबले में। शुभान प्रधान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि या वाकई मुकाबला बहुत ही हुआ। शुभान प्रधान कि मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझते हैं, इबादतों की तरह मैं काम करता हूँ, मेरा उसके पहले सलाम करता हूँ। मुखालिफत से मेरी शख्सियत समझती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो सुभान प्रधान इस मुकाबले के साथ लगातार जुड़े और ये श्रियांश वाह वाह ये लंबा हाथ दिया है 7-14। आखिर क्यों एक पॉइंट और इस एक पॉइंट की दूरी क्यों तय नहीं हो रही है भाई कटोली? आखिर यहाँ पे साहब ये खेल की दास्तान बड़ी खतरनाक होती है, कभी इधर कभी उधर, जिसमें फैसला करवाना बड़ा मुश्किल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहानियां कब बदल जाएं ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। रेफरी के शराब आलावे बिल्कुल बड़ा ही लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर कटोली के खिलाड़ियों का रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे इस टीम के? कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना कहूंगा कि अभी तो चाक पे जारी है रस मिट्टी का, अभी तो चाक पे जारी है रस मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। जी बिल्कुल, तो दास्तान किसी भी वक्त बदल सकती है। 7-14 पर संघर्ष हो रहा है कि ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है सेमी में। चले श्रेयांश और फिर यहाँ पे टच आउट 8-14 धीरे धीरे अल्लाह अल्लाह करके एक एक पॉइंट जायका दरबार हासिल कर रही है। हमारे दर्शकों को किसी चीज की परवाह नहीं, हार और जीत पाए साहब
कि कभी मैंने ये कहा था कि रंग और हिजर की दुनिया में मजा आता है, सर में सौदा हो तो फिर सौदा में मजा आता है, और खुश और गुलशन में तो लैला को वहीं रहने दो, न हो मजनू मुझे सहरा में मजा आता है। युष्मान दर्शक नौ चौदह 9:14 9:14 एंड लास्ट टाइम आउट से टेकन बाई कटौली। तो यहाँ पर दयान चिश्ती और सुभान प्रधान जी तैयब साहब, जायका दरबार अंजाम शहीद, फातिमा हॉस्पिटल बहरियागंज, डॉक्टर ताहिर साहब, वेलकम ढाबा मुशर्रफ साहब बहरियागंज, साहब दुनिया वाली बाल कबर भाई, मेरा नाम अगर पूछ रहे हैं तो मेरा नाम है मोहम्मद कासिम, बिलाल जी कासिम नाम है, और दीगर जो हमारे मेहमान हैं तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पहला सेट चल रहा है भाई, पहला सेट शानदार वाली बाल, निहाल एंड कंपनी नहीं आई है भाई इस मैच में, निहाल और उनकी टीम नहीं है। साहिद साहब नसीर पर 14 जंप के साथ अच्छी सर्विस, फिर वहां पे मोहसिन आए और ये टच आउट कराने में कामयाब। याद रहे मोहसिन, ये आखिरी चांस है, उसे फुर्सत ही कहा, वक्त निकाले मोहसिन, ऐसे होते हैं भला चाहने वाले मोहसिन। 14 और 9 बहुत सवली सिरियान और ये 9-14 आखिर एक पॉइंट कब तक तरसती नजर आएगी यहाँ पर। कटौली टीम महताब क्लब कटौली बहुत प्यारी टीम है, लेकिन आज क्या इस मुकाबले को नाम करेगी? सिर्फ 5 पॉइंट बाकी है, मुकाबला बराबर हो जाएगा। ये सिरियान भरपूर सर्विस किया है, ये देखिए फोरहैंड का इशारा आ गया, 10-14 लिख दिया जाए भाई, लिखने वाले लिख दे 10-14 और फिर यहाँ पे 10-14 सर्विस पर सिरियांश, हीरो खिलाड़ी है जो किसी भी टीम को मजबूर कर दिया करता है। मैंने इस खिलाड़ी को फतेहपुर ताल लड़का में देखा है, चांद पार का मुकाबला किसको याद नहीं होगा जब एक पैर पर सिरियांश ने चांद पार टीम में अंजान से की शायद दिया फाइनल जुटाया था। जी बिल्कुल नहीं भाई, लीग नहीं है, मात्र 1 पॉइंट की दरकार, इसके बाद पहला सेमीफाइनल होगा, देखते हैं किसका जमाना है। इस नाजुक परिस्थिति में कटौली की टीम अपने परवरदिगार से दुआ कर रही है, दुआ कर रही है भाई, कटौली का साथ देने वाले लोग जरा कम से कम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, ऐसा लगे कि आपके कटौली की टीम। जी हाँ, ये देखिए कुछ लोग जागे हैं, कुछ लोग और जागने वाले हैं। ये जाग ये जगाया है सौरभ ठाकुर ने, मैंने इस खिलाड़ी के लिए कभी कहा था कि ये हाथ मुझे देते ठाकुर। 11-14 इस खिलाड़ी को चोट लगी है, लेकिन जब एक खिलाड़ी देखा कि जायका दरबार की नैया डूब रही है तो सौरभ ठाकुर सिंह को बुलाया गया और आकर के नैया पार लगाने के लिए देखिए ठाकुर सौरभ सिंह का, ये मोहसिन, ये शाहरुख, ये ठाकुर, लेकिन वाह 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 ललित होल्ड करते पकड़े गए, चोट लगती लगी है। दर्शक बाहर से ग्राउंड में आए, तमाम लोग दूरियां बनाए रखें, मैं सारे लोग बाहर आ जाए प्लीज, मैं तमाम लोग जो जहां पर वहीं पर बना रहे प्लीज इस बात का ख्याल रखें। आप खिलाड़ी चोटिल हुआ है, इंजर्ड हुआ है, थोड़ा सा लोग बाहर रखे अपने आप को, गिरा दो।
ललित को लग गया, ललित को बोल क्या हुआ पता नहीं। भाई जरा सा आपको खत्म करें, इसलिए भाई सारे लोग ग्राउंड से बाहर आ जाए। समीर के टखने में थोड़ा सा चोट आई है, सभी एक साथ लोग ग्राउंड छोड़ दें। ऑफिशियल टाइम आउट यहां पे लिया गया है, 11-14 का स्कोर है। समीर जिनके पैरों में चोट लग गई है, संभवतः पैर मुड़ गया है घुट्टी पर से, इन खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें ग्राउंड पर सीधा बना होता हुआ एक एक पॉइंट और एक नंबर सोमवार अभी इस समझ में बात तालियां बजा दे। रहमत भाई कुछ मसला आ गया था, हल हो गया है, कोई बात नहीं। कटारी सर सफेद है लाइन और इस मात्रा शाहरुख छोर दरवाजे से हमला, लेकिन हमले में तो सर्विस सर करता हुआ शाहरुख एरन फोल्डिंग 11-14। ये तूफान कहां जाकर रुकेगा, 11-14 के लिए आई है सीरियंस अच्छे से फील्ड करा अपने जैसा गेम शो करता हुआ खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक आज जरा हाथ देकर सारी सीमाम लकली सर्विस ये काउंटर बड़ी सही आजाद श्री हंस का। अरे हो गया था, असल में समीर रफी को चोट लग गई थी पैर, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई। अंजान शहीद श्रीराम से वेल टेकन ऑफ द हाफ और उस माता बहुत ही प्यारा नाइस मौसम का अजीब लोग बस रहे तेरे शहर में मौसम मरम्मत काश करते थे पत्थर के औजारों से फोर्टीन इलेवन 14-11 डॉक्टर आरिफ साहब बिना बारागम शुक्रिया अदा करते हैं मेरा शुक्रिया अमेद आशा साहब गुनाम श्रिया बाल समली विकास के लिए, लेकिन टाइमलाइन के बाहर टारगेट बन गया लेकिन पैमाना गलत मिला। बेगम बाबा पहला साहब का दिन शुक्रिया अदा करते हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई खेल भी रहे निजाम चिश्ते को मुबारकबाद कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत ही मुश्किल है। कौन जीतेगा कि परंपरियों का नशा टूट कर बिखरने लगा, मेरा जहाज सभी को करने वाला था मेरे नसीब मेरे हाथ काट गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। अभी कौन ऐसा करेगा ये समय के गर्भ में बस उठेगा बाद में फ्यूचर में छुपा हुआ है। देखिए हार ही तो बहुत साफ है, किसी एक खिलाड़ी का जब प्रदर्शन देता है लापरवाही किसी एक के लिए हार का कारण बनती है, लेकिन किसी एक खिलाड़ी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चूंकि हार का आप लोगों ने सुना होगा कि जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, मायूस में दिल से सवाल ही नहीं जाता। और काटे किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को पहचानने को भी कोई मालूम नहीं जाता, इसलिए हर खिलाड़ी को अपना मसाफ करना होगा। डिफेंडिंग ये शाहरुख को सवाल कहा गए साहब का पेट बड़ा अपना सर्विस 11-14 पर लगातार सर्विस चेंज का सिलसिला जारी है कि सारा जंगल ने रखा है 11-14 श्रीयांश की टीम का 11 है और कटोरी 14 सर्विस चेंज का सिलसिला जारी है। एक बार तालियां बजा दो आप लोग
एक पॉइंट और 12 और 14 पहला राउंड भी पहले राउंड का आखिरी में लेकिन खिलाड़ियों को चौकन्ना रखना होगा कि कली का खेल